यहाँ पे है कांचनजंगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड इन मिसिंग योर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हैं राभांगला में, हमारा स्टे हिल टॉप राभांग रिसोर्ट। ये जो रिसोर्ट है ना, इसका सबसे बढ़िया चीज ये वॉच टावर है, जहाँ पे खड़े होके आप कांचनजंगा को देख सकते हैं। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी गाइस। आई एम एक्चुअली स्टंड सीइंग दैट के यहाँ पे इतना अच्छा एक प्रॉपर्टी है, जहाँ पे आप अच्छी तरीके से एक या दो दिन गुजार सकते हैं। और सच बताओ तो गाइस, इस रिसोर्ट का अपना एक वाइब है। तो गाइस, दिस इज आवर रूम एट हिल टॉप रिसोर्ट राभांग लालीगुरांस। इसका मतलब है रोडोडेंड्रॉन। दिस इज द रूम भाई। ये देखो, यहाँ पे कपबोर्ड है, ड्रेसिंग टेबल, यहाँ पे एक टेबल है, टी टेबल, यहाँ पे एक टेबल है, दो टू डबल बेड, बहुत नाइसली डेकोरेटेड रूम है। यहाँ पे भी एक टेबल है, यहाँ पे टीवी है, यहाँ पे एक बड़ा सा खिड़की। सुबह उठ के यहाँ पे बैठ के आप कंचनजंगा का व्यू लेते हुए चाय पी सकते हैं। और यहाँ पे एक छोटी सी क्यूट सी बेल्कोनी, जहाँ पे अभी चैन बैठ के चिल कर रहा है। दिस इज टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, सो लेट्स सी व्हाट यू हैव इन आवर ब्रेकफास्ट टुडे। यहाँ पे है आलू के पराठे, उसके साथ ये लोकल अचार। ये भाई बाहर के आचार बहुत तीखा होता है, संभाल के। हाँ तो गाइज, राइट नाउ आई एम एट राभांगला बाजार। यहाँ पे लेफ्ट लेंगे तो बाजार पहुँच जाएंगे। सो गाइज, वी हैव जस्ट रीच तथागत साल, हियर इज द बुद्धा मूर्ति। और अभी हम यहाँ पे नहीं घुसेंगे, सीधा निकल जाएंगे ऊपर की तरफ। तथागत साल को क्रॉस करने के बाद हमें रालांग मॉनेस्ट्री की तरफ जाना है। एक्चुअली यू विल गेट अ लॉट ऑफ वीडियोज ऑफ दिस तथागत साल एंड बुद्धा मूर्ति एंड दिस पार्क, बट यू विल नॉट गेट अ सिंगल वीडियो ऑफ बोरंग हॉट स्प्रिंग और पुलंग हॉट स्प्रिंग लाइक दैट। ओके, सो टुडे वी आर गोना एक्सप्लोर द ऑर्बिट राभांगला गाइस। थोड़ी देर बाद ये रास्ता बहुत ख़राब होने वाला है, क्योंकि ये टारमैक जो है ना, वो ज़्यादा दूर तक नहीं है। हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे होने वाले कंप्लीट ऑफ रोड, हमें 45 मिनट्स टू 1 आवर लगने वाला है वहाँ तक पहुँचने के लिए। मेरा टॉप बॉक्स ना तो यहाँ से हिल रहा है, एकटू ढीला हो गया, इटाके टाइट कर दिले। हाँ, इटा आपातत ठीक ठाक है। सो दिस इज ओके, द नॉट हैज फॉलन फ्रॉम हियर, यहाँ से गिर गया है। और उसका जो है वो एकदम बिल्कुल भी ढीला हो चुका है, वो भी गिर जाएगा अगर थोड़ा देर चला तो। अभी अगर इसको फिक्स नहीं करवाया ना तो मुश्किल हो सकता है। सो नाउ आई एम रशिंग बैक टू राभांगला बाजार। ये टॉप बॉक्स का नाट निकल गया नीचे से, ये दो नट्स। चलो भाई, फिर से हम आ गए तथागत साल के सामने। चैन मेरे लिए यहीं पे वेट कर रहा था, मेरा बाइक अभी हो गया है फिक्स और अभी जल्दी से चलेंगे ऊपर की तरफ, वो हॉट स्प्रिंग की तरफ। भाई जहाँ पे मेरा टॉप बॉक्स खराब हुआ था ना, उससे थोड़ा आगे तक मुझे ऑफ रोड मिला, उसके बाद फिर से ये टारमैक वाला रोड मिल गया है। तो ये बहुत अच्छी बात हो गई, क्योंकि वो ऑफ रोड बहुत ही गंदा था और मेरा टॉप बॉक्स का जो नाट है ना, वो निकल जाता है ऐसे ऑफ रोड करते हुए। ये देखो, राइट के रास्ते से अगर हम जाएंगे तो हमको बोरंग का हॉट स्प्रिंग मिलेगा, जिसको पोलोक बोरंग हॉट स्प्रिंग भी कहा जाता है। और लेफ्ट में हम जाएंगे तो हमको एक व्यू पॉइंट मिलेगा, जिसका नाम है टाइटैनिक व्यू पॉइंट। हम पहुंच गए एक जंक्शन में, जहाँ पे लिखा हुआ है कि वे टू हॉट स्प्रिंग इज लेफ्ट और लोअर बोरंग की तरफ है। हेलो हेलो। और भाई, जिन लोगों को ये सीरीज अच्छा लग रहा है ना, वो अभी एक लाइक ठोकेगा और कमेंट में बताएगा कि भाई ये जो एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं ना सिक्किम को, ये आपको कैसा लग रहा है। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है ना कि वो लोग सब जानते हैं, उन लोगों को सब कुछ पता है, लेकिन भाई मैं बहुत छोटा आदमी हूँ और ये सिक्किम नॉर्थ बंगाल में बहुत कुछ चीज़ें ऐसा है जो अभी तक मैंने नहीं देखा है। तो उन सारे चीज़ों को मैं एक्सप्लोर करना बहुत पसंद करता हूँ। और जो जो मेरे साथ ये एक्सप्लोर करना चाहता है, ये नए नए चीज़ें, नए नए जगह, नए नए जो ऑर्बिट है, इसको अगर एक्सप्लोर जो जो करना चाहते हैं, वो हमारे मेरे साथ जुड़ सकते हैं इस चैनल पे। और बाकी लोग यार, जिन लोगों को कुछ नहीं जानना है, सब कुछ पता है, वो लोग यार, यू गाइस कैन लीव दिस चैनल प्लीज़, देन दिस चैनल इज़ नॉट फॉर यू एक्चुअली। भाई अभी हम जिस गांव से गुजर रहे हैं, ये ना लोअर बोरंग है। और देखो, यहाँ से वे टू हॉट स्प्रिंग इज राइट, देखो यहाँ से भाई, वो लिखा है तो वहाँ पे बैनर में लिखा है। तो लोग जाएगा तो थोड़ा वो हॉट स्प्रिंग का सामने तक जाएगा, और बोरंग जाएगा तो थोड़ा दूरी है। तो वो लोग जाएगा, जाना है तो आप लोग को हॉट स्प्रिंग थोड़ा नजदीक है, बाइक नीचे तक जाएगा। सॉरी सॉरी, कितना दूर होगा यहाँ से पोलक? हाँ,
कति टाइम लाग्छ हजुर एउटा हो बराबर हो झन्डै यहाँदेखि कति टाइम लाग्छ पोलक पुग्नु तपाईँको यतामा 7 किलोमिटर जस्तो होला यता 7 किलोमिटर त केही होइन हाम्रो तर अब त्यही यता चाहिँ तपाईँको हिँड्ने बाटो चाहिँ कम्ती हम देखो ये पीछे वाले ऊपर के रास्ते से आए थे राइट वाले से और अगर आप ये राइट के रास्ते से नीचे की तरफ जाएंगे तो आप बोरंग हॉट स्प्रिंग पहुंच जाएंगे और ये वाले रास्ते के सीधे चलेंगे तो आप पोलक हॉट स्प्रिंग पहुंचेंगे। फुल टर्मैक रोड है और देखिए खूबसूरत एक गांव मेरे चारों ओर आपको दिखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे कितना अच्छा नेचर है भाई, बिल्कुल शांत, कोई भी पॉल्यूशन नहीं, कुछ नहीं है। लेफ्ट में ये ग्राउंड देखो आप, कितना अच्छा है ना। ओ भाई साहब ये फ्लावर देखो, ये पेड़ देखो भाई, ये फूल का पेड़ देखो, ये घर देखो यार, कितना अच्छा, कितना खूबसूरत। ये पूरा ऑर्बिट है सिक्किम का, पूरा ऑर्बिट, प्योर ऑर्बिट ब्रो, दिस इज प्योर ऑर्बिट, प्योर नेचर। सच बताओ तो यार अभी हमें पता नहीं कि हम लोग किधर जा रहे हैं, बस रास्ता है और हम लोग राइड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं भाई। चौहान के कुत्ता है तारा कुछ ऊपर है भाई कुत्तारा से माठे मध्य दिए जंगल फंगल कुत्ता दिए दौड़ा आसे की तारा यहाँ पे होता है रास्ता खत्म। यहाँ पे आके इस भैया से मुलाकात हो गया है, भैया लोकल है यहाँ का। भैया इस जगह का नाम क्या है? पोलक। पोलक 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 तातापानी। अच्छा पोलक तातापानी, तातापानी का मतलब है गर्म पानी। और यहाँ से कितना दूर है, जंगल के अंदर कितना जाना पड़ेगा, कितना दूर जंगल जंगल तीन मिनट तक अंदर जाना पड़ेगा इस जंगल से, इस रास्ते से। तो चलो चलते हैं, क्या कुछ नहीं होगा, छोड़ दे हेलमेट यहाँ पे। सो गाइस वी हैव आवर टॉवल्स एंड शॉर्ट्स इन दिस बैग, हमको नहाना है नीचे जाके। और अभी फिलहाल देखो ये जंगल के रास्ते से हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ। मेरा जो टैंक बैग और ड्रोन है वो मैं कैरी कर रहा हूँ और अभी गोप्रो से ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि इंस्टा 360 जो है ना वो लो लाइट में अच्छा काम नहीं करता है। करने का टाइम यार बहुत फटने वाला है मेरा। और यहाँ पे आ गया तातो पानी, मतलब हॉट स्प्रिंग। वो नीला नीला जो टेंट्स दिख रहा है ना वहीं पे है भाई, बहुत नीचे है भाई, बहुत नीचे है। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं ये रिवर साइड पे, ये देखिए रिवर साइड पे। वहाँ पे पीछे कुछ लोग नहा रहे हैं, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, वहाँ पर है गर्म पानी और ये सारे टेंट्स में लोग रहते हैं। यहाँ पर ये है घनश्याम भाई, इनका ही ये कैफ़े है जहाँ पे हम अभी खाना खाएंगे। तो यहाँ पे खाने में क्या क्या मिलेगा? मोमो, थुप्पा, चाउमीन, ये सब। और हर साल यहाँ पे, हर साल लोग दिसंबर, हाँ दिसंबर 20 तारीख से स्टार्ट हो जाते हैं। ये कौन सा रिवर है? रंगीत है। यहाँ पे कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ पे नेपाल, भूटान और कई बाहर से भी आते हैं लोग, घूमने चले आते हैं तब यहाँ भी निकल जाता है। रहने का क्या बंदोबस्त है यहाँ पे? यहाँ पे सब कुछ है रहने का, रूम मिल जाएगा 200 रुपये इस तरफ है, उस तरफ 500 से 300 ऐसे ही रात को और नाइट का है। कम्बल वम्बल सब मिलेगा, सब मिल जाएगा और खाना अलग से। ये था पोलक का हॉट स्प्रिंग। ये जो नदी देख रहे हैं ना, नदी के राइट साइड में ही सारे हॉट स्प्रिंग्स है, लेफ्ट साइड में हॉट स्प्रिंग्स नहीं है। अभी देखिए हॉट स्प्रिंग के साइड में, मतलब राइट साइड में जो टेंट्स है ना वो लोग 300 से 500 तक का चार्ज करते हैं पर नाइट, और जो नदी के उस पार है वो 200 करके चार्ज करते हैं पर नाइट, सिर्फ स्टे के लिए, फूड का अलग से देना पड़ता है। अगर आप लोगों को ये प्लेस अच्छा लगा, अगर आप लोग ये यहाँ पे आना चाहते हैं नहाने के लिए, एक दिन मजे करने के लिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पे कॉल करके आप यहाँ पे रूम्स बुक कर सकते हैं, मतलब ये टेंट्स बुक कर सकते हैं। जस्ट लुक एट दिस प्लेस मैन, गद्दी बिछाया हुआ है
कंबल वंबल सब है यहाँ पे, सब कुछ प्रोवाइडेड रहेगा। Some people who have come from Bhutan, I guess. Yes. Okay. Do you guys come every year? Yeah. Any specific reasons for coming here, guys? It kind of like helps us with to go away the pain of migraine. Yeah. Like we don't get migraine for a year because of the water, so we visit here every year. Like basically, there's a saying that this place is called as Rolong because Guru Rinpoche, we call Guru Rinpoche in our language, and it's called Guru Padmasambhava in Hindi. So like he literally woke a dead person by the water here. By the spring water here. So Ru means a dead person or a dead body, and La means waking up. So that's why this place is known as Sri Lanka. You should visit it. कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम गैंगटॉक से। हर साल आते हैं यहाँ पे? हाँ। आप लोगों का कुछ मानना है? कहते हैं कि गर्म पानी में रहने से आपका अंदर का बीमारी रुक जाती है। पॉजिटिव एनर्जी है कुछ। हाँ जी, अच्छा ठीक है। फिलहाल हम लोग हॉट स्प्रिंग से ऊपर की तरफ हाइकिंग कर रहे हैं। फट रहा है मेरा लिटरली, थोड़ा सा ही ऊपर चढ़े लेकिन उसी में हालत खराब हो गया है। अभी बहुत दूर चलना है भाई, हारेंगे नहीं यार, डटे रहेंगे, रेस्ट लेके चलेंगे, लेकिन हारेंगे नहीं। हम बाइकर्स हैं भाई लोग, वी आर एडवेंचर लवर्स, हमें हारना नहीं आता। चलो धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे। गाइज, अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा है ना तो भाई एक लाइक दे दो और सब्सक्राइब करो मेरा चैनल मिसिंग यर्स। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो आपका सब्सक्रिप्शन कमेंट्स मेरे लिए सब कुछ। ओ भाई मैंने कर लिया, सच अ गुड फीलिंग। थैंक यू लाठी, थैंक यू। फाइनली हम लोग अपने बाइक के पास पहुंच चुके हैं, और जब बाइक हमारे साथ होता है ना तब हम सिकंदर होते हैं, सिकंदर। आज ये राबम हिल टॉप रिसोर्ट का 8th जन्मदिन है, तो इस खुशी में हम लोग थोड़ा सा केक कटिंग किए, केक कटिंग सेरेमनी किए, और यहाँ का जो को ओनर है सायंतंदा और प्रेम भाई, इधर आइए, आइए इधर आइए, सायंतंदा थोड़ा सा और प्रेम भाई है। सो मिसिंग योर चैनल की तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंड ऑल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग अस। ठीक है, अमर दीदी हेलो, ओल आडू तुम सब डिटेल्स पार्टी दो। हाय, और लो चायन। हां, सो वी आर एक्चुअली वेरी हैप्पी फॉर being a part of this party, kena emon ekta shomoy amra eshi jokhon je din ta ashole eder kache khub important, so cake khabo ekta choto diyeche pet bhore ni abar khabo, eta shudhu cream eser thank you।